स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मंडी के सेरी मंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए याद किए जाते हैं। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल एक ऐसा नाम है जिन्हें भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का निर्माता कहा जाता है। 500 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया है। उनकी प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करने की थी। इस कार्य को उन्होंने बिना किसी बड़े लड़ाई झगड़े की बखूबी पूरा किया है। देश के एकीकरण में उनका अहम योगदान रहा, जिसके चलते ही उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका पहला व बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में रहा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे नशे से दूर रहते हुए मेहनत के साथ शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य के पथ पर चलते हुए देश के विकास में अपना योगदान दें। आज हमारा देश एक ऐसे महान व्यक्तित्व के हाथों में है। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आज से 4 साल पहले हमारा देश का कौन सा स्थान हुआ करता था विश्व स्तर पे, और आज जब मोदी जी के हाथ में इस देशवासियों ने जहां मान सौंपी है, तो आज विश्व के उस मानचित्र पे जहां इतना मान सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को पीछे नहीं मिलता था, आज चाहे अमरीका का राष्ट्रपति हो, चाहे चाइना का राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया का राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, आज इंतजार में खड़े होते हैं कि 8 वर्ष का प्रधानमंत्री का इंतजार कर लेते हैं। वो आएंगे तो उनके संग हम चलेंगे। एक ऐसा कार्य पूरे विश्व शांति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसके लिए अभी 2 दिन पहले ही उन्हें एक विश्व शांति का पुरस्कार मिला है। उसके लिए मैं श्रद्धेय मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा निवेदन रहेगा अपने बच्चों से कि हम अपने जीवन की अपने दिनचर्या को इस प्रकार से ढालें कि हम कहीं गलत दिशा पे न जाए। आज हम उम्र ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व जो है वो कहीं हमारे बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं ड्रग की तरफ घेर रहे हैं। हम अपने शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें, हम अपने सामाजिक कार्य की तरफ विशेष ध्यान दें, हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अमिट छाप सदियों तक राष्ट्रीय जीवन पर रहेगी और भारतवासी सदैव उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल भारत को एक करने में, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उपरांत स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उपस्थित जनसमूह को राष्ट्र एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई। इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित भाषण, निबंध, लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। बाद में उन्होंने रन ऑफ यूनिटी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पूरा राष्ट्र लोग वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है और आज पूरे दुनिया में जहां बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्टैच्यू बने हैं, सबसे बड़ी अगर मूर्ति बनाई गई है तो भारत में, जिसका अनावरण हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आज पूरा विश्व भारत की ओर उस लौह पुरुष की गाथाओं को स्मरण करके, वो पूरा देश
रन फॉर यूनिटी जो दौड़ आज हमारे प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस जयंती के शुभ अवसर पर आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर विधायक हीरालाल राकेश चंबाल जवाहर ठाकुर, जिला परिषद के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर, नगर परिषद की अध्यक्ष सुमन ठाकुर, उपाध्यक्ष विशाल, पार्षदगण, जिला भाजपा के अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे।